तो जैसा क्वेश्चन में आपको दिया गया है, 3 पॉइंट्स 1, 0 है, से पॉइंट ए हमने एज्यूम कर लिया, एक दूसरा पॉइंट जो है से बी 6, 0 हो गया, और पॉइंट सी जो है से ये 4, 3 गिवन है। तो हमने नाम दे दिया अपनी तरफ से ए बी सी, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय दीज 3 पॉइंट्स, दैट मीन्स जो ट्रायंगल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, दैट इज से एरिया या डेल्टा इक्वल टू लिखते हैं हम लोग 1/2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एंड एक्स थ्री वाई थ्री वन, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो सिंपल है कि आप असाइन कर दीजिए से ये एक्स वन वाई वन हो गया, यहाँ पे ये वाला पॉइंट एक्स टू वाई टू हो गया, और जो तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है से एक्स थ्री वाई थ्री हो गया। तो वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं सिर्फ एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री। हाँ, एरिया जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है ना, लेकिन आपको एब्सोल्यूट एरिया देनी, एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू देनी है जो भी वैल्यू आएगी। एक्स टू कितना है आपका, 6 है, 0 एंड 1, 4, 3, 4, 3 एंड 1 हो गया। नाउ वी हैव टू अप्लाई सम प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट उस रो या कॉलम के अबाउट हम लोग एक्सपेंड करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हों। तो यहाँ पे तो आपके पास C2 में 2 जीरोज हैं, तो C2 के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं। तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग अबाउट C2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, इस एलिमेंट का को फैक्टर लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कौन सा रो है, तीसरा रो है ना, और कॉलम नंबर इसका क्या है, 2 है। तो -1 की पावर i + j मतलब 3 + 2, 3 टाइम्स, ठीक है। और डिटर्मिनेंट 2/2 की कौन सी, या यूं कह ले माइनर, ये कॉलम बंद हो गया जिसमें ये एलिमेंट है और रो बंद हो गया, तो क्या आ गया आपका 6, 1, 6 और 1, 1 आ गया, ठीक है। तो दैट इज 1/2 टाइम्स ये हो गया आपका एरिया। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, हम यही लिख दे रहे हैं 1 1 जा 1 प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल माइनस क्या हो जाएगा आपका 6 1 जा 6। तो यहां मिटा के क्या लिख देंगे, 1 - 6 हो गया ये, तो 3 टाइम्स 1 - 6। अब देखिए क्या आएगा, -1 की पावर 3 + 2 5, और -1 की पावर ऑड हमेशा -1 होता है, तो यहां से आपका -1 आ गया, है ना। आप नेक्स्ट स्टेप में साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। और यहां से कितना आ गया आपका, 1 - 6 become -5, तो दैट बिकम -5। अब फाइनली कितना आ गया, -1 into -5 प्लस का 5 3 15/2, तो दैट कम्स आउट टू बी 15/2, या यूं कहें 7.5 स्क्वायर यूनिट, दैट इज योर आंसर।